हे फ्रेंड्स, दिस इज़ अरुण और आप देख रहे हो अरुण ब्लॉग। और आज हम लोग बात करेंगे बाइक्स में भी लॉन्च्ड इन जून। तो इस सेगमेंट में जो सबसे पहली बाइक है वो है हीरो की एक्सट्रीम 160R। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये आपको वाइट कलर में देखने को मिल रहा होगा। इसमें आपको रेड और ब्लू कलर भी अवेलेबल हो जाएगा। और ये बाइक अभी लॉन्च पहले हो चुकी है, बट अभी डीलरशिप के पास पहुंची नहीं है। तो मे बी ये इस बार डीलरशिप के पास इस महीने में पहुंच सकती है। तो अगर आप एक बाइक ख़रीदना चाह रहे हैं या आप एक बाइक ख़रीदने के लिए वेट कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वेट और कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में भी 4 से 5 बाइकें लॉन्च हो सकती हैं। तो ये है 160। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें फ्रंट में पूरा का पूरा LED दिया हुआ है। आपको इंडिकेटर, हेड लैम्प, रियर लैम्प और सारी चीज़ें इसमें LED आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छा पार्ट है। और इससे इस बाइक का अपील बढ़ जाता है, दैट मीन्स इसका जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फ्रंट में ऊपर कार्बन फाइबर फिनिश दिया हुआ है और साथ में इसमें हीरो का लोगो भी दिया हुआ है। बात करते हैं इसके पॉजिटिव साइड की, तो इसके पॉजिटिव साइड में एक्सलेंट हैंडलिंग डायनेमिक्स, यानी कि इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दूसरी बात, इसके पॉजिटिव पार्ट में इसका जो लाइटेस्ट वेट है, यानी कि ये जो अपने सेगमेंट में बाइक है ये काफ़ी ज़्यादा लाइटेस्ट है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें फ्रंट में कुछ ऐसा देखने को मिलता है और ये ब्लू कलर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ लोगों को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को नहीं लगेगा। सो मेनली जो लुक्स होता है वो सब्जेक्टिव पार्ट होता है, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को नहीं लगता, तो ये लोगों की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो है नो पोजिशन इंडिकेटर, यानी कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो उसमें गियर पोजिशन इंडिकेटर यहाँ पर मिस है। यहाँ पर आपको मीटर कंसोल में गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को नहीं मिलेगा। फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे, ये रेड कलर का है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। मुझे इसका हेडलैम्प काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक लगा। ये बाइक ऐसे लगती है जैसे फ्यूचर से रिलेट करती हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इसका जो आप देख पाएंगे साइड से पैनल कुछ ऐसा देखने को लगता है। और ये बाइक जो है काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट फीलिंग देती है अगर आप इसको देखते हैं। तो पीछे से आप देख पा रहे होंगे, पीछे जो इसमें LED दी हुई है बैक लैंप, और इसमें अगर हम बात करें इंडिकेटर की, दो भी LED दिए हुए हैं। और पर्सनली इसमें LED का जो यूज़ किया गया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फ्रंट में, रियर में, फ्रंट हेडलैम्प मोस्टली मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि एक फ्यूचरिस्टिक अपील देता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट बाइक विच मे लॉन्च इन जून। तो अब हम बात करेंगे सेकेंड बाइक की, और यहाँ पर जो सेकेंड बाइक है वो यामाहा की तरफ से है, FZ250 या FZS250। ये दो बाइकें हैं जो इस महीने में लॉन्च हो सकती हैं। जो यामाहा की बाइकें हैं जो लोअर सेगमेंट में आती है, इनके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो इनका मेनली जो पॉजिटिव और नेगेटिव बात है वो हम लोग करेंगे। पहले आप इसका लुक देख पाएंगे स्क्रीन पे, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। फ्रंट में आप देख पाएंगे सिंगल प्रोजेक्टर लैंप दिया हुआ है, जैसा कि आपको M15 में देखने को मिल रहा था। आपको एक सिंगल प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ लोगों को, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और सामने की तरफ एक लॉन्ग वाइज़र दिया हुआ है, नकल गार्ड लगे हुए हैं। सो ये एक एडवेंचर बाइक की तरह निकल कर सामने आती है। अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव साइड की, तो इसके पॉजिटिव साइड में हम बात करते हैं, इसमें ब्राइट LED हेडलैम्प दिया हुआ है, इसकी सीट हाइट काफ़ी लो है। और नेगेटिव में इसमें ABS का कोई ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स आप इसमें ऑप्शनल ABS नहीं चूज़ कर सकते हैं, रियर में ऑप्शनल। और सेकंड चीज़ है, इसमें लो ऑन पावर है, यानी कि इसका जो पावर डिलीवरी है वो थोड़ी सी लो रहती है, जो कि मुझे यामाहा की बाइक में ऐसा लगता ही है कि ये लोग जो पावर है वो थोड़ी सी लो रखते हैं। और जो दूसरा सबसे बड़ा मुझे प्रॉब्लम हर एक यामाहा में लगता है वो है टाइनी इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, यानी कि जो इनकी डिस्प्ले होती है मीटर की वो काफ़ी छोटी लगती है मुझको। जैसे कि R15 में आप देखा होगा, और इसी तरह जो FZ बाइक आती है पहले वाली, उसमें आपने देखा होगा, तो मुझको उसका मीटर कंसोल काफ़ी छोटा लगता है, जो कि मुझे हार्ड टू रीड लगता है। यानी कि अगर आप उसको इंस्टेंट रीड करना चाहेंगी तो थोड़ा सा आपको वहाँ पर टाइम देकर उसको देखना पड़ेगा कि उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है। सो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। बाकी इसमें दो कलर आपको मिल जाएंगे, एक मेटेलिक ब्लू और एक रेसिंग ब्लू, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। सो ये आपके दो कलर अवेलेबल हैं। अब अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट बाइक की, जो जून में लॉन्च होने वाली है, तो ये मोस्ट अवेटेड बाइक है रॉयल इनफील्ड की तरफ से, मीटियोर 350। सो लुक वाइज आप अगर देखें तो ये कहीं ना कहीं थंडरबर्ड 350X से सिमिलर है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लेकिन उससे कुछ पार्ट में ये अलग भी है। जैसा कि इसका अगर हम हेडलैम्प देखें तो वो थंडरबर्ड की तरह आपको देखने को नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल उससे अलग है, बिल्कुल सिंपल सा दिया हुआ है। साइड से आप अगर देखें तो इंजन के नीचे एक प्लेट दी हुई है,
वो प्लेट रोड अंड्यूलेशन से इंजन को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि जो डिच है या जो भी इसमें धरती पर जो भी पड़ा होगा अगर वो इससे टकरा जाएगा इंजन से तो ये प्लेट उसको बचाती है। इसके बाद अगर हम इसके लुक को देखें तो इसका लुक मुझे पर्सनली काफ़ी ठीक लगा, लेकिन जो रॉयल इनफील्ड की बाइक्स होती हैं उनमें सबसे बड़ा पार्ट होता है, नेगेटिव पार्ट होता है वाइब्रेशन, तो मे बी इसमें भी वाइब्रेशन हो सकती है। अभी आपने येलो कलर देखा, ये ब्लैक कलर है और देखने में ये बाइक काफ़ी सिमिलर है थंडरबर्ड से, तो पहली नज़र में अगर कोई देखता है तो इसको थंडरबर्ड ही समझ लेगा। बाकी जो इसकी बैक लाइट है वो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझको, काफ़ी रेट्रो लुक प्रोवाइड करती है। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ इसका जो बैक लैंप है, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और ये एक रेट्रो लुकिंग बाइक है। अगर आप एक रेट्रो लुकिंग बाइक चाहते हैं तो आप इसको ले सकते हैं। और इसकी पावर जो इसकी जो पावर है वो आप थंडरबर्ड 350X से रिलेट करके पता लगा सकते हैं। इससे अभी मैंने एक रिसेंटली वीडियो डाला है तो आप उसको देख सकते हैं और उससे इसकी पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बाइक जो है आपके लिए अच्छी है या नहीं है। मेनली जो बाइक आराम चलाते हैं उनके लिए बाइक काफ़ी अच्छी है, लेकिन जो स्पोर्टी स्टाइल में चलाते हैं उनको ये बाइक काफ़ी अच्छी नहीं लगेगी, तो आप ये बाइक भी कंसीडर कर सकते हैं। और आज की आखिरी बाइक की अगर हम बात करें तो वो है TVS की विक्टर 110 BS6 बाइक। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय सारी बाइकें BS6 में लॉन्च हो रही हैं, तो विक्टर पहले से ही मार्केट में आती थी लेकिन इसका BS6 वेरिएंट अभी तक नहीं आया है, तो मे बी इस समय इसका BS6 वेरिएंट लॉन्च हो सकता है इस महीने। तो अगर आप एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक लेना चाहते हैं तो आप इसका वेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बाइक मे बी इस महीने लॉन्च हो सकती है। COVID-19 की वजह से काफ़ी चीज़ें डिले हो गई हैं, उनमें से इसकी लॉन्चिंग भी डिले हुई है। बाकी इसका मीटर कंसोल को जिस तरह देखने को लगता है, मुझे इसका मीटर कंसोल इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगता है और ये बाइक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है अगर कंप्यूटर सेगमेंट की बात करें तो। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें फ्रंट में डिस्क का भी ऑप्शन आता है, आप इसमें ड्रम बे में जा सकते हैं। और ये जो बाइक है ये अपने सेगमेंट में प्रीमियम चीज़ें प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसके सस्पेंशन मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये बाइक है जो जून में लॉन्च होने वाली है।